हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है भारत शिक्षा। लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन का हमने पार्ट वन यानी कि ट्रायंगल पूरा खत्म किया था। उस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे जो एग्जाम में पूछे गए थे और एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो नेक्स्ट अब जो हम स्टार्ट करने वाले वो है मेंसुरेशन पार्ट टू। उसमें 2D में ही नेक्स्ट पार्ट है अपने पास, वर्ग और आयत यानी कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो धीरे धीरे उस सारी चीजों को पढ़ेंगे हम, आयत और वर्ग की, और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कर लेना। ठीक है, तो पढ़ते हैं आयत। ये भी 2D का ही पार्ट है यानी कि रेक्टेंगल। बचपन से समझते आ रहे होंगे आयत। आयत क्या होता है? आयत एक ऐसी आकृति होती है, 2D आकृति यानी कि 2D, द्विविमीय, जिसमें दो ही दिशाएं होती है, आगे पीछे और ऊपर नीचे। ठीक है, तो 2D ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, यानी कि अगर ये L है तो ये भी L होगी। ठीक, और ये B है और ये भी B होगी। तो बेसिक जो डेफिनेशन होती है आयत की, उसमें हम ये लिखते हैं कि चारों ओर से बंद ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर, यानी कि ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी, तथा चारों भुजाएं एक दूसरे पर लंब होती है यानी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये आयत की डेफिनेशन हो गई सिंपल। ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे, मैं रिवाइज करा देता हूं एक बार। लिख लेते हैं आयत के पॉइंट, लिख लीजिए आमने सामने की भुजाएं बराबर। ठीक है, जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, भुजाएं या साइड्स बराबर, भुजाएं बराबर होती हैं आयत में, तथा सभी भुजाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं, एक दूसरे पर लंब यानी कि परपेंडिकुलर लंब होती है। ये भुजा इस पर लंब यानी ये 90, इस भुजा का इस पर लंब यानी कि ये भी 90, इस भुजा का इस पर और इसका इस पर। ठीक है, ठीक, ये आयत की बेसिक डेफिनेशन हो गई। तो इसके हमारे पास कुछ फॉर्मूले निकल के आते हैं आयत के। अच्छा, आयत के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, ये देख ली, ये बोर्ड है, ये भी एक आयत है क्योंकि ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। ठीक, कोई आपके घर में गेट लगा हुआ, मेन गेट या लकड़ी के दरवाजे होते हैं, वो भी एक आयत होता है क्योंकि ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, ऐसी आकृति है जिसकी आमने सामने की जो साइड्स होती है वो बराबर होती है। आपके हाथ का जो मोबाइल फोन है वो भी एक आयत की शेप में यानी रेक्टेंगल की शेप में है। तो आयत आपका समझ में आ गया, सिंपल चीज है। ठीक, इसके कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आयत का क्षेत्रफल, या ऐसे लिख लीजिए आयत का, ये फॉर्मूले नोट करते चलेंगे, आयत का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर, सीधे सीधे लिखिएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल बराबर लेंथ गुणा ब्रेथ। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए पेरीमीटर। जब हमने क्षेत्रमिति स्टार्ट की थी, दो चीजें बताई थी 2D में, सबसे ज्यादा दो चीजें महत्वपूर्ण होती है, उसका एक क्षेत्रफल और दूसरा पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी आयत का परिमाप क्या होगा, मैंने बताया था कोई किसी का भी आप परिमाप निकालेंगे, दुनिया की कोई सी आकृति हो, त्रिभुज, आयत, वर्ग, पेंटागन, हेक्सागन, यानी पंच भुजाएं ज्यादा भी हो तो उन सबका परिमाप कैसे निकलता है, जितनी भी भुजाएं दे रखी हो, एक इसमें चार भुजाएं हैं, 1, 2, 3, 4 सारी भुजाओं का योग कर दीजिए यानी सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो ये हो जाएगा एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। ठीक है, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ये इसका परिमाप हो गया, दोनों हो गए 2L + 2B, दोनों से 2 बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में L प्लस बी, ये अपने पास परिमाप आ गए 2 × L + D। ठीक है, एक बचता है अपने पास आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण। अच्छा, विकर्ण समझने के लिए मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, बेसिक तरीके से, ये दिशा इस पर, ऐसे अपने पास ये आयत है, इसका आयत, सॉरी स्क्वायर, लंबी लंबी साइड्स बना देता हूं,
ये एक आयत की शेप में है, ठीक है। अब इसका विकर्ण क्या होगा? विकर्ण होगा कोई भी दो कॉर्नर को मिलाकर जो रेखा बनती है, कोई भी दो साइड से जहां मिल रही है आयत की, वहां पर जो कॉर्नर बनता है यानी कि कोना बनता है, ठीक है, तो उससे दूसरे कोनों को मिलाएं, चाहे इससे इसको मिलाइए चाहे इससे इसको मिला दीजिए, तो ये क्या बन जाता अपने पास? ये होता है विकर्ण, ठीक है, विकर्ण यानी डायगोनल, डायगोनल, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला क्या हुआ? अगर मैं साइड एल मान लेता हूं, ये बी, इसको हम मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर है इसका, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा अपने पास? इसको ए और बी मान लेता हूं, तो ए भी देखिएगा ये होता है एक तुम्हारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज यानी कि जिसका एक कोण 90 हो, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस हो गई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस सॉरी लंब को बोलते परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है अपने पास लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां से क्या निकल के आएगा अपने पास? एच का स्क्वायर यानी कि विकर्ण क्या आ गया अपने पास? विकर्ण स्क्वायर बराबर लंब है अपने पास बी स्क्वायर प्लस आधार है एल स्क्वायर, तो विकर्ण आ गया अपने पास सीधे सीधे। यहां से देखेंगे रूट स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये इधर रूट आ जाएगा, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है सीधे सीधे बी स्क्वायर एल स्क्वायर का रूट, ठीक है, ये आयत के विकर्ण का फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं तीनों, ठीक है, क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण। चौथा आ जाता है कोई भी एक कमरा हो जो आयत की शेप में हो, ठीक है, हम हमेशा याद रखेंगे, मान के चलेंगे कि कोई भी कमरा होता है वो आयताकार शेप में होता है, तो आयताकार कमरे का, आयताकार कमरे की चार भुजाओं का क्षेत्रफल, चारों भुजाओं ने चारों दीवारों का, देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये चौथा फॉर्मूला है। तो आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वो क्या होगा अपने पास? आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है टू गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसको याद रखिएगा, ब्रैकेट बहुत महत्वपूर्ण है, पहले ये दोनों ऐड होंगे या फिर अलग अलग मल्टीप्लाई करने के बजाय आप क्या करेंगे, इन दोनों को पहले ऐड करिएगा, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, उसमें टू का मल्टीप्लाई और फिर हाइट का मल्टीप्लाई, ठीक है। आयताकार कमरा जैसे कि अपने समझ सकते हैं, ये जिस कमरे में पढ़ा रहा हूं तो ये आयताकार कमरे शेप में, तो इसकी एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, जितनी चौड़ाई है और एक ऊंचाई है, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दो गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये आयत की बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसके बेसिक फॉर्मूला है, इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा वर्क पढ़ेंगे, फिर इन दोनों पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, या फिर पहले हम इसके कुछ वर्क के कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला है आयत के, आपको नोट करना है, याद करना है डेली, ठीक है, और आपको रिविजन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वर्ग देखते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब इसमें क्या आता है? मेंसुरेशन में दूसरा जो है आयत के बाद हम पढ़ते हैं वर्ग, यानी कि स्क्वायर, स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा चारों भुजाएं एक दूसरे पर लंब। स्क्वायर सिंपल है, जिसकी चारों भुजाएं आपको बराबर करनी हो वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। यदि ये साइड ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, तो स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती है, यानी ये इसके बराबर और इसके बराबर होगी, चारों भुजाएं बराबर कर दी तथा चारों भुजाएं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई, लिख लीजिए वर्ग की। इसमें चारों भुजाएं यानी कि ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल बराबर, ठीक है। सेकेंड, जितनी भी साइड्स हैं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर यानी लंब होंगी, ऑल साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो चारों भुजाएं
आपस में जहां मिलती है वहीं लंब होंगी, ठीक है, आपस में एक दूसरे पर लंब होती है, ठीक। देख सकते हैं ये भी 90, ये भी 90 एंगल परपेंडिकुलर, यानी ये भी 90 और ये भी 90, जैसा आयत में पढ़ा था उसमें भी सारे 90 यानी परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक। अब इसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, आयत के हिसाब से इसके फॉर्मूले बनाएंगे हम, ठीक है। अच्छा, वर्ग का कोई एग्जाम्पल देना हो तो वर्ग का एग्जाम्पल क्या देंगे, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है, ऐसी कोई घिरी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है, कोई एक बोर्ड, ठीक है, वो क्या होंगे, सारे के सारे वर्गाकार आकृति के होंगे, कोई पार्क हो गया अगर कोई, जिसकी चारों साइड्स बराबर है वो भी एक स्क्वायर यानी वर्ग हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार हम अब इसके फॉर्मूले बनाते हैं आयत के हिसाब से। तो वर्ग पहला लिख लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बना लीजिए वर्ग का, बराबर सबसे पहले जब आयत का हम पढ़ते थे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इसमें एल भी ए है और बी भी ए है, तो क्या हो जाएगा सीधे सीधे ए गुणा ए, यानी आयत का क्षेत्रफल अपने पास निकल के आया ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। जो भी अपने पास भुजा दे रखी हो, इसकी अलग 10 लंबाई है तो 10 का स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार परिमाप निकाल लीजिए वर्ग का, पेरीमीटर, वो क्या होगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, चारों भुजाएं जोड़ दी तो ये हो गया 4a। तीसरा विकर्ण, यानी कि डायगोनल क्या होगा, जिस प्रकार आयत का होता था दो भुजाएं जहां मिलती हैं उनके कॉर्नर्स को मिलाकर एक डायगोनल बनता था, ऐसे इसमें बनेगा। तो ये भी इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो सीधे सीधे अपने पास क्या आ जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस है, ये लंब ये बेस, यानी कि ये परपेंडिकुलर ये बेस, यानी कि ये लंब ये आधा, और तो कर्ण का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका विकर्ण जो निकल के आता है अपने पास आता है टू रूट, सॉरी ए रूट टू, क्योंकि अंदर हो जाएगा अंडर रूट टू ए स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं, इसमें से रूट टू अलग लिख लीजिए और ए अलग लिख लीजिए, तो विकर्ण जो बना इसका वो बना रूट टू ए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं आप, इसमें इसमें कह रहा है आयत की लंबाई 20 मीटर, किसी आयत की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ, 20 गुणा 10 यानी कि सीधे सीधे 200 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगर क्षेत्रफल की यूनिट यानी कि इकाई क्या होगी, जिन इकाई निकालने के लिए किसी भी फॉर्मूला की, यानी क्षेत्रफल की निकालनी है तो जो हम चीजें मल्टीप्लाई करते हैं या भाग देते हैं उसके अनुसार ही निकालते हैं। जैसे हमने मीटर का मल्टीप्लाई मीटर से किया तो मीटर का दो बार मल्टीप्लाई हुआ तो मीटर गुणा मीटर यानी मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल की यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर स्क्वायर। अब जैसे हमें आयतन की निकालनी है, आयतन की यूनिट, आयतन में क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो तीनों को मल्टीप्लाई किस में, तीनों यूनिट किस में होंगी, मीटर या सेंटीमीटर या घन मीटर में, तो मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, तो तीनों की यूनिट मिला के क्या आ जाएगी, मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, 1, 2, 3, तो मीटर की पावर 3। तो इस प्रकार आप यूनिट किसी की भी उसके फॉर्मूले के अनुसार निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हमने क्षेत्रफल के निकालिए, मीटर गुणा मीटर हो रहा है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई 7.5 मीटर तथा चौड़ाई 3.5 मीटर है तथा इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा है हमें 77 मीटर स्क्वायर, तो ऊंचाई क्या होगी। हम जानते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है कमरे की, बताया था अभी, फॉर्मूला पढ़ा था, का क्षेत्रफल बराबर 2 × (ब्रैकेट में) लंबाई धन चौड़ाई फिर ब्रैकेट के बाहर गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब इसमें क्षेत्रफल ऑलरेडी दे रखा है तो क्षेत्रफल की जगह हम क्या रख देंगे, 77 बराबर होगा 2 × लंबाई दे रखी है 7.5 प्लस चौड़ाई दे रखी है 3.5 × ऊंचाई, ठीक है। यहां से 77 को यही लिखा रहने दीजिए, अभी
दो गुणा इन दोनों को ऐड करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो साढ़े सात में साढ़े तीन जोड़ेंगे तो कितना गया ग्यारह, तो सतहत्तर, सतहत्तर बराबर दो गुणा इन दोनों का योग यानी कि ग्यारह गुणा एच। अब एच की वैल्यू पूछ रहा है, एच को यही रखा रहने देंगे, बाकी दोनों को इसके नीचे ले जाएंगे सतहत्तर के, तो सतहत्तर बटे दो गुणा ग्यारह बराबर एच, तो ग्यारह से निकल जाएगा सात बार, आंसर आ गया अपना सात बटे दो, हाइट आ गई अपने पास सात बटे दो, यानी कि दो का भाग देंगे तो ये जाएगा साढ़े तीन बार, तो हाइट कितनी हो गई साढ़े तीन मीटर। इस प्रकार आप आंसर सीधे सीधे निकाल सकते हैं, सीधा फॉर्मूला पर बेसिस क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक दीवार की लंबाई, आसानी से ऐसे ही करने आपको सीधे बेसिक कंसेप्ट से, बेसिक फॉर्मूला से, ठीक, और फॉर्मूला का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, इसको आप और कोई तरीके से भी नहीं कर सकते थे, ठीक है, सीधे इसको, अगर लेंथी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसकी मैं ट्रिक भी बताता चलूंगा, ठीक, इसमें सीधे सीधे आपको बस कैलकुलेशन करनी है दिमाग में, कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक दीवार की लंबाई उसकी चौड़ाई से तिगुनी है, अब जिससे मैंने बताया पहले भी क्वेश्चन कराए हैं, जिससे तिगुनी होती है उसको एक्स मानते हैं, चौड़ाई को हम मान लेंगे एक्स, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से तिगुनी है, तो जिससे या जिससे बड़ी है जिससे छोटी होती उसको ही एक्स मानते हैं, चौड़ाई से कौन बड़ा है लंबाई, तो चौड़ाई को एक्स मान लिया, लंबाई कितनी है इसकी तिगुनी यानी कि तीन गुणा एक्स, तो लंबाई कितनी आ गई थ्री एक्स। अब वो कह रहा है अपने पास तथा क्षेत्रफल बारह वर्ग मीटर है, अब क्या जानते हैं हम लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई एक्स मानी थी हमने, वो कितनी है बारह, मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से होगा तो एक्स की पावर दो, थ्री को ऐसे ही दिखाने दे देंगे और बारह को बारह लिखा रहने देंगे, तीन से ये चार बार, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया चार, तो एक्स बराबर हो गया रूट चार, क्योंकि स्क्वायर बराबर के उधर जाता है तो रूट में आ जाता है, बराबर ये हो जाएगा रूट चार, जो आएगा रूट चार की वैल्यू दो, प्लस माइनस दो वैल्यू आएंगी, लेकिन माइनस वाला क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि लंबाई कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, किसी भी कमरे की लंबाई या किसी भी आयत की लंबाई नेगेटिव में नहीं जा सकती, इसलिए प्लस दो लेंगे। तो अपने पास एक्स क्या माना था हमने चौड़ाई, तो चौड़ाई की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास दो मीटर, ठीक है, और लंबाई इसकी तीन गुनी थी तो दो का तीन गुना करेंगे कितना आ जाएगा छह मीटर। अब वो पूछ रहा परिमाप कितना हुआ, आयत का परिमाप हम जानते ही हैं क्या होता है, दो गुणा में लंबाई घन चौड़ाई, दो लंबाई कितनी निकाली है हमने छह मीटर और चौड़ाई है आठ दो मीटर, तो छह प्लस दो यानी कि आठ, आठ दूनी सोलह, परिमाप आ गया सोलह मीटर। इस तरह आपको क्वेश्चन सीधे सीधे फॉर्मूले पे मिल जाएंगे क्वेश्चन, आपको बस इसी तरह कंसेप्ट को याद रखना है, फॉर्मूले पे याद क्वेश्चन कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखते हैं जो आयत में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप चलिए कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन देख लेते हैं सीधे सीधे, अब क्या करेंगे इसमें क्वेश्चंस में देख लेते हैं। एक 20 मीटर लंबे तथा 10 मीटर चौड़े आयताकार बगीचे के चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता दिया हुआ है, मतलब कोई आयताकार बगीचा बना लेता हूं, आयताकार यानी रेक्टेंगुलर शेप में है कोई, ठीक, ये बगीचा है, बगीचा यानी पार्क मान सकते हैं हम, और इसमें कह रहा ये 20 मीटर लंबा है यानी ये 20 ये भी 20, 10 मीटर चौड़ा है ये 10 तो ये भी 10, अगर इसके चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है, इसको यहां लिख देते हैं, ये 20 ये 20 ये 10 और ये 10, बड़ा बना देता हूं डायग्राम अच्छा दिखेगा, ठीक, ये 20 सामने वाली भी 20 है, ये 10 और ये 10, ठीक, 3 मीटर चौड़ा रास्ता, 3 मीटर चौड़ा रास्ता चारों ओर है, एक इधर ऐसे बढ़ाइएगा, यू इस तरह, ठीक है, ये चारों तरफ जो रास्ता है वो कितना है, ये है 3 मीटर चौड़ा, 3 ऐसे, 3 इधर भी, 3 इधर और 3 इधर, तो कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, हमें किसका क्षेत्रफल बताना है, अंदर का नहीं केवल रास्ते का, इसका
ठीक। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं कंसेप्ट आपको बेसिक से भी सिखाऊंगा, ट्रिक से भी सिखाऊंगा, ठीक है। कंसेप्चुअली कैसे करेंगे इसको, अगर हम केवल इस वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बड़े वाले में से पूरा जो है इसमें से मैं अंदर वाला ये घटा दूं तो ये बीच वाला पता चल जाएगा मैं, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं अगर मैं इस पूरे में से, इस पूरे बाहर वाले में से ये अंदर वाला एरिया हटा दूं, ये ऐसे देखिए ये अंदर वाला एरिया गायब हो गया तो बचा हुआ रास्ता निकल आएगा, ठीक है। तो निकालेंगे कैसे, पहले बड़े वाले यानी बाहर वाले की हम लंबाई निकाल लेते हैं। इसकी लंबाई कितनी होगी बाहर वाले की, देखिए इधर ये पूरी 20 है, ठीक है, ये 3 और ये 3, तो 3 इधर बड़े 3 इधर बड़े कितने हो गए, 3 और 3 6, और ये पूरी लेंथ कितनी है 20 की, ठीक है। तो अपने पास कितना हो गया 20 + 3 + 3 यानी कि 26, ठीक है। बाहर वाले की लंबाई कितनी होगी 26, बाहर वाले आयताकार क्षेत्रफल की आयताकार बाउंड्री क्या होगी 26 उसकी लेंथ हो गई, ठीक है। और बाउंड्री की जो बाहर वाली जो है उसकी जो है ब्रेथ कितनी यानी कि चौड़ाई कितनी हो जाएगी, टोटल है ये अंदर वाली 10, 3 इधर बढ़ाइए 3 इधर बढ़ाइए, 3 और 3 6 और 10 16, ठीक है। तो बाहर वाले का जो क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई आई अपने पास वो आ गई, लंबाई आ गई 26 मीटर और चौड़ाई आ गई 16 मीटर, ठीक है। तो बाहर वाले का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, बाहर का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 26 - 16 × 16 यानी कि लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेथ, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा अपने पास 16 × 96 की ना, और 16 × 32 = 32 और 9 अपने पास 41, ये हो गया 416, ठीक है। बाहर वाले का क्षेत्रफल 416 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट अंदर वाले का निकाल लीजिए, अंदर वाले का क्षेत्रफल, अंदर वाला जो एरिया है वो हो जाएगा इसकी अंदर वाले की लंबाई कितनी थी 20 और चौड़ाई 10, तो ये आ जाएगा सीधा 20 × 10 यानी कि 200, ठीक है। तो 200 मीटर स्क्वायर। अब पूछा रहा क्षेत्रफल किसका, इस वाली पार्क की जो बाउंड्री जो इसके चारों तरफ रास्ता है, ठीक है। तो उसको क्या लिखेंगे हम, मैंने बताया था बाहर वाले में से अंदर वाला घटा दीजिए, तो 416 में से 200 घटाइए तो 416 - 200, तो ये आ जाएगा अपने जो चौड़ा रास्ता का क्षेत्रफल, ठीक है। माइनस करेंगे तो आ जाएगा 216 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा सीधे सीधे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कंसेप्चुअली आपको दिमाग में करना है, सारी चीजें हल हो जाएंगी आसानी से, 15-16 सेकंड सीधे सीधे आप जोड़िएगा। इसकी लेंथ इधर इधर दोनों तरफ जोड़िए, बीच वाली में जोड़िए, तो बाहर वाले की लेंथ माइनस अंदर वाले की सीधे सीधे अपने पास दोनों का जो चौड़ा रास्ता बन रहा है वो निकल के आ जाएगा। एक बार और देखिए, बाहर ये पार्क बनाया हमने, इसके चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया, 3 मीटर चारों तरफ भी बढ़ेगा, इधर भी 3 मीटर इधर भी 3 मीटर, तो बाहर वाले की लेंथ में से बाहर वाला जो पूरा पूरा आयताकार पोर्शन है, अंदर वाला पोर्शन यानी बड़े वाले आयताकार में से अंदर वाले पोर्शन को मैं गायब कर दूंगा तो ये चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। यही करेंगे हम, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसकी लंबाई आ गई और इसकी चौड़ाई आ गई, उसमें से अंदर वाले की लंबाई बड़ा अंदर वाले की चौड़ाई घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि 216 मीटर स्क्वायर अपना आंसर हो जाएगा सीधे सीधे बाहर माइनस अंदर, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 1 12 मीटर लंबे तथा 9 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के बाहर एक रास्ता है जिसका क्षेत्रफल 46 मीटर स्क्वायर। अब इसमें रास्ते का क्षेत्रफल ऑलरेडी दे रखा है तो रास्ते की चौड़ाई बताइए। पहले बनाएंगे डायग्राम आयत का, ये 12 मीटर लंबा है 9 मीटर चौड़ा है, ये भी 12 ये भी, तो ये 9 ये 12 तो ये भी 12, अब इसके चारों हमने रास्ता बना दिया, ठीक है। कंसेप्चुअली करेंगे, अगर मैं इसको एक्स मानूंगा चौड़ाई तो ये भी एक्स होगी, अगर हम इस तरह इसको करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक बनाने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम ट्रिक से करेंगे यानी ऑप्शन उठा के, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हमें लाना कितना है 46, अगर मैं तो बाहर वाले की लेंथ निकाल के देखता हूं, अगर मैं 2 रख के देखूं इसको, अगर मैं 2 रख के देखूं, ठीक है, यानी कि बाहर वाले का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले का क्षेत्रफल करके क्या आना चाहिए 46। तो बाहर वाले के क्षेत्रफल के लिए बाहर वाले की लंबाई कितनी हो जाएगी, अगर मैं 2 रख के देखता हूं तो बाहर वाले की लंबाई हो गई 16
गुणा बाहर अंदर वाले बाहर वाले की चौड़ाई, यानी कि इसकी कितनी हो जाएगी, ये दो इधर जुड़ेगा और दो इधर प्लस नौ, कितने हो गया। अभी ऑप्शन टू रख के देख रहे हैं, यानी कि इसकी चौड़ाई हम दो मान के देख रहे हैं पूरे चौड़ रास्ते की, ठीक है। तो इसकी क्या हुई, नौ और दो ग्यारह और दो तेरह, माइनस करके देखता हूं बारह नंबर 108, अगर ये मेरे पास 46 आ गया तो वही अपना आंसर हो जाएगा। 16 थी 48, 16 कम 16, 16 और 4 20, 208 में से 108 घटाएंगे अपने पास तो ये बचेगा 100, लेकिन लाना हमें 46 है, ठीक है। ऑप्शन थ्री वाला रख के देखते हूँ, अगर लंबाई में तीन मान लूँ, ठीक है, तो तीन रख के देखेंगे तो जो हो जाएगा 12 और 3 और 3 6, यानी कि 18 गुणा 9 6 15 माइनस 12 नंबर 108, इससे करके देखते हैं, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा जा रहा है, ठीक है, तीन से तो और बड़ा जा रहा है, तो इसको छोड़ देंगे। अब रख के देखते हैं लंबाई इसकी एक, ठीक है, एक रख के देखेंगे, अगर हम एक लेंथ मान लूं तो 12 प्लस एक प्लस एक, यानी कि लंबाई होगी 14। ऑप्शन से रख के देख रहे हैं तीनों कंसेप्चुअली, ठीक है, तो एक इधर रखूंगा एक इधर, तो 12 और एक 13 और एक 14, इसी प्रकार 9 में 2 जोड़ेंगे तो एक इधर जोड़ेगी तो जो हो जाएगा अपने पास 11 माइनस अंदर वाले का क्षेत्रफल, यानी 12 नंबर 108, 14 गुम 14, 14 गुम 14 15 माइनस 108, तो अपने पास ये आ जाएगा 46, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको ऑप्शनली चेक करना है अगर क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक में जा रहा हो, नहीं तो अगर क्वाड्रेटिक सॉल्व करने बैठेंगे तो 3 से 4 मिनट खराब हो जाएगी, इसलिए आप ऑप्शन रख के देख सकते हैं। आप इसमें कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधे ऑप्शन रखिए, बाहर वाले का क्षेत्रफल निकालिए माइनस अंदर वाले का, वो आना चाहिए 46, जिस ऑप्शन पर 46 आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 50 मीटर लंबे तथा 40 मीटर चौड़े बगीचे के बीचों बीच लंबाई व चौड़ाई के समानांतर 10-10 मीटर चौड़े रास्ते हैं, ठीक है। 50 मीटर लंबे तथा 40 मीटर चौड़े, ये हो गया 50 मीटर, ठीक है, ये लंबा है 50 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा, ठीक है। अब क्या साइड में नहीं लगाई है रोड, इसमें साइड में नहीं है, मतलब चारों ओर नहीं है, इसमें समानांतर है, लंबाई के समानांतर और चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच, और लंबाई के समानांतर ये हो गई, ठीक है, बीचों बीच, और चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच ये हो गया एरिया, ठीक है। ये कह रहा है 10-10 मीटर चौड़े रास्ते हैं, तो यानी कि इसकी लंबाई भी 10 है और इसकी चौड़ाई भी, सॉरी इसका भी 10 है चौड़ाई और इसकी भी 10 चौड़ाई है, ठीक है। तो कह रहा है इन रास्तों को छोड़कर शेष भाग का, ठीक है, शेष भाग का जो क्षेत्र में क्या हुआ, ये शेष भाग, ये 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 और ये, तो इसमें समझ में आ रहा होगा आपका क्या। एक तरीका तो ये है, पूरे का निकाल लीजिए और इस रास्तों का माइनस कर दीजिए, ठीक है, ठीक। तो कैसे करेंगे इसमें, सबसे पहले बेसिक तरीके से देख लेते हैं, बेसिक मेथड क्या है। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, बड़े वाले यानी पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आयताकार या आयत का क्षेत्रफल या पार्क जो भी है, बगीचा है, पूरे बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे देखिए, बगीचे का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा अपने पास, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई, यानी कि 50 गुणा 40, यानी कि इसका क्षेत्रफल जो आया बगीचे का वो आया 200 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, बचे हुए पार्ट, यानी कि इसका 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 और इसका क्षेत्रफल, वो क्या करेंगे हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, पहले इसका निकाल लेंगे भागों का क्षेत्रफल या फिर चौड़े रास्तों का क्षेत्रफल, चौड़े रास्ते इस वाले का देखिए सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले किसका देखेंगे, इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल, ठीक है, वो देखिए क्या होगा, इस वाले पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये कितनी है 50 और इसकी चौड़ाई कितनी है 10, चौड़ाई 10 होगी, 40 क्यों नहीं होगी, क्योंकि इतनी तो है, इतनी ढूंढना है, तो लंबाई तो 50 हो जाएगी, तो जो हो जाएगा चौड़े रास्ते का कुल क्षेत्रफल सबसे पहले पहले वाले का कितना हो जाएगा, चौड़े रास्ते का कुल क्षेत्रफल 50 गुणा इसकी चौड़ाई 10 प्लस दूसरा वाला चौड़ा रास्ता, देखिए दूसरा वाला चौड़ा रास्ता ये है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, दोनों में ये रिपीट हो रहा है, इसको एक ही बार लेना क्योंकि ये इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो इतने पार्ट का हम घटा देंगे, तो पहले निकाल लेते हैं इसका,
इस पूरे का क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ कितनी है 40 और चौड़ाई वही 10, तो 40 × 10। ध्यान से देखिएगा, समझ में नहीं आ रहा है तो इस पार्ट का कैसे निकालेंगे, इसकी चौड़ाई कितनी है, ये जो इसकी एक्चुअल चौड़ाई वही 10 हो जाएगी, और इसकी लंबाई कितनी है 50, वो लिख दिया हमने, ठीक है। इसी प्रकार इसका निकालेंगे, इसकी ये ब्रेथ मान लीजिए, लेंथ मान लीजिए, इसकी ये कितनी है 40 और इसकी ये कितनी है 10, तो ये लिख लिया माइनस। अब ये दोबारा रिपीट हो रहा है, इसको इस माइनस कर देंगे, तो इतना पार्ट कितना हो जाएगा, 10 इसमें आ रहा है, 10 इसकी लेंथ और 10 इसकी चौड़ाई, सिंपल है, क्योंकि इतना ही पार्ट तो बचा बीच में, ये इसकी लेंथ भी 10 है और इसकी ब्रेथ भी 10 है, ठीक है, तो इतना माइनस कर देंगे, यानी कि 10 × 10 को हम माइनस कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 + 400 - 100, तो कितना आ जाएगा अपने पास 900 - 100 यानी कि 800। बगीचे का क्षेत्रफल 200 नहीं 2000 आएगा, गलती लग गया, ठीक है, ठीक, तो 2000 - 800 कर देंगे तो सीधे सीधे अपने पास बचे पार्ट का आंसर आ जाएगा, तो टोटल बचा हुआ पार्ट यानी कि बचे भाग का या शेष भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, टोटल क्षेत्रफल बगीचे का, ठीक है, कितना है अपने पास 2000 - जो हमने रास्तों का क्षेत्रफल निकाला 800, कितना हो गया अपने पास 1200। अच्छा ये तरीका एक तो अलग है, ये बेसिक कंसेप्ट है, बहुत लंबा कंसेप्ट पड़ेगा आपको, ठीक है, मैं आपको ट्रिकी सॉल्यूशन बताता हूँ, ट्रिक से कैसे करेंगे इसको, ट्रिक से क्या करेंगे, इसमें जो लेंथ है 50 - 10, जो चौड़ाई रास्ते की दे रखी है उसको माइनस कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे की ब्रेथ माइनस रास्ते की चौड़ाई, ये आंसर हो जाएगा, तो जो 40 × 30, ये हर क्वेश्चन में आपके कंसेप्चुअली काम आएगा, तो 1200 मीटर इस पर, ठीक है, तो इस तरह आपको करना है, अगर इस तरह बेसिक से करेंगे तो टाइम लगेगा 1 से 1.5 मिनट, इससे करेंगे आपको 2 से 3 सेकंड लगेंगे, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी बीचों बीच रास्ता बनाए तो पूरी लेंथ में से इसमें घटा दीजिए, तो पहली वाली लेंथ तो लेंथ आ जाएगी इन पार्टों की, ठीक है, फिर गुणा ब्रेथ में से 10 वाले चौड़ाई घटा दीजिए तो उसकी ब्रेथ आ जाएगी, तो टोटल जो अपने पास लेंथ आती है ये और ब्रेथ आती है एक्चुअल, ठीक है, तो ये अपने पास बचे हुए पार्ट का एरिया इस प्रकार डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एक तरीका ये है, ठीक है, बेसिक वाला एक ये ट्रिकी सॉल्यूशन है, मैं कहता हूं अगर एग्जाम में करेंगे तो इससे करिएगा ट्रिकी से, क्योंकि बेसिक तो सब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन होता है तो सब्जेक्टिव कोई एग्जाम होता है तो उसमें काम आते हैं, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं आए के ऊपर, फिर वर्ग के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये परसेंटेज पे है, हमने परसेंटेज वाले क्वेश्चन चैप्टर में बहुत कराए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, तो इसमें कह रहा है यदि आयत की लंबाई 50% वृद्धि तथा चौड़ाई में 40% की कमी हो जाए तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। सीधे मैंने बताया था परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, 50% को क्या लिखते हैं हम 1/2, 40% को क्या लिखेंगे 2 × 4 = 2 × 5 = 10, 2/5, इसमें वृद्धि हो रही है इसमें कमी हो रही है, तो नीचे वाला मूल होता है ऐसे, इसमें भी नीचे वाला मूल है, और ऊपर वाला अगर हम जोड़ देते हैं तो वृद्धि हो जाती है, और घटा देते हैं तो कमी हो जाती है। पहले अगर 50% की वृद्धि हो रही है तो 50% की वृद्धि के लिए क्या करेंगे, पहले की 2, ठीक है, लेंथ यहां पर लिख लीजिए स्टार्टिंग और चेंज, ठीक है, चेंज होने के बाद जो होगी, ठीक है, तो पहले जो लेंथ थी स्टार्टिंग में कितनी थी 2 थी नीचे वाली मूल, वृद्धि कर दी गई तो 2 इसमें इसको जोड़ देंगे तो वृद्धि होने के बाद लेंथ आ जाएगी, तो 2 अरे अब कितनी हो गई 3। ये परसेंटेज में बहुत कंसेप्ट हमने क्लियरली पढ़ा है, अगर किसी ने परसेंटेज वाला चैप्टर नहीं देखा हो तो देख सकता है। नेक्स्ट 40% की कमी ब्रेथ में, पहले थी ब्रेथ 5 फिर कमी कर दी तो 5 - 2 यानी कि 3, पहले थी ब्रेथ 5 कमी कर देंगे 5 - 2 यानी कि कितनी हो जाएगी 3, ठीक है, एरिया निकाल लेंगे, लेंथ गुणा ब्रेथ पहले कितना था मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले था 10, अब कितना हो गया मल्टीप्लाई करेंगे 9, अब कह रहा है क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन को हम डेल्टा या कुछ भी लिख सकते हैं या फिर चेंज लिख सकते हैं, चेंज इन एरिया, ठीक है, कितना हो जाएगा इन दोनों में चेंज कितना हुआ 9 - 10 यानी कि लास्ट में से पहला वाला घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 - 10 यानी कि -1/(starting)-100, ये परसेंटेज चेंज हो गया, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए ये हो जाएगा इतना
यानी कि माइनस टेन। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, यानी कि कमी। अगर ये आंसर प्लस में आता, यानी अगर ये 10 होता ये 9 होता, तो 10 में से 9 घटाते तो ऊपर वाला प्लस 1 आता, प्लस में आंसर आता तो वृद्धि हो जाती। लेकिन इसमें से इसको घटा रहे हैं, ऊपर आ रहा माइनस अपॉन मूल वाला यानी स्टार्टिंग इंटू 100 परसेंटेज चेंज के लिए 100 का मल्टीप्लाई, आंसर नेगेटिव में आ रहा है, यानी कि 10% की क्या हो जाएगी एरिया में कमी। इस तरह आपको कंसेप्चुअली करना है क्वेश्चन, ठीक है। समझाने में टाइम लगता है वैसे क्वेश्चन, अगर इस तरह परसेंटेज को हम चेंज करके करेंगे फ्रैक्शन में तो 4 से 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं, आपको परेशानी ना हो। कह रहा है एक बरामदा 40 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है, ठीक है। एक बरामदा है, लंबाई चौड़ाई दे रखी तो ऑब्वियसली आयत ही होगा वो, ठीक है। 40 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है। अब इसमें कह रहा है इसके फर्श को 10 देसी मीटर तथा 5 देसी मीटर पत्थर से पक्का कराना है, ठीक है। 6 और 5 के पत्थर ऐसे बिछाने हैं इसमें, ठीक है। ऐसे यूं ये पत्थर लगाने हैं इसमें, तो कितने पत्थर लगेंगे, ठीक है। सिंपल है, जो भी नंबर पूछे बराबर। टोटल इसका एरिया अपॉन एक पत्थर का एरिया, चाहे मैं मैट बिछानी हो, ईंटें पक्की लगवानी हो, पत्थर लगवाने हो, हमेशा याद रखिएगा जो भी एरिया कंप्लीट क्षेत्रफल दे रखा है, जो भी कमरे का क्षेत्रफल है, दीवार का या फर्श का, पेंट कराना हो तब भी ऐसी, ठीक है। तो उसमें पूछे कितने लगेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा कुल जो क्षेत्रफल दे रखा है, कुल क्षेत्रफल और जो चीज बिछानी है बटे पत्थर का क्षेत्रफल, एक पत्थर का एक, ठीक है, एक पत्थर का क्षेत्रफल। हमेशा ये कंसेप्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नंबर जब भी निकालने हो तो कुल क्षेत्रफल में एक पत्थर के क्षेत्रफल का हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। तो कुल क्षेत्रफल कितना हो गया, 40 × 15 / अच्छा ये देखिए, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, स्टार्टिंग वाला जो कमरे की लंबाई है, लेकिन जो ईंट या पत्थर की लंबाई वो डेसीमीटर में। हम जानते हैं 1 मीटर = 10 डेसीमीटर, ठीक है। तो 40 मीटर कितना हो जाएगा, 10। इस 40 मीटर को भी मीटर डेसीमीटर में चेंज करेंगे तो इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई, इसको भी चेंज करेंगे तो इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अपने पास ये बन जाएगा 40 × 15 × 10 × 10, ठीक है, बटे एक पत्थर का क्षेत्रफल, एक पत्थर का क्षेत्रफल वो भी डेसीमीटर में, इससे तो घबराना नहीं है। हमने क्या किया इसमें, एक मीटर में होते 10 डेसीमीटर, तो पहले तो लेंथ को चेंज किया था, लेंथ में हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसी प्रकार ब्रेथ में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्रेथ भी डेसीमीटर में चेंज हो जाएगी, ठीक है, बटे एक ईंट का क्षेत्रफल, वो ऑलरेडी डेसीमीटर में, ये हम चेंज कर चुके हैं, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 600 × 100 / 6 × 5, तो 6 का भाग देंगे 100 बार, 5 का भाग देंगे 20 बार, तो टोटल जो ईंट आएंगी 100 × 20 यानी कि 2000 ईंट। इस तरह आपको सीधे सीधे फॉर्मूले से याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, कोई भी चीज बिछानी हो किसी भी फर्श पर किसी भी दीवार पर, तो जो कुल क्षेत्रफल है दीवार का कमरे का बटे उस यूनिक चीज या पर्टिकुलर चीज का क्षेत्रफल का भाग दे देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ वर्ग से जुड़े हुए क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये आयत से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और वर्ग से भी देखेंगे, फिर हम चैप्टर को इस लेक्चर को खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2D में आगे बढ़ेंगे, यानी कि सर्कल पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन और हैं, इनको देख लेते हैं, फिर लेक्चर खत्म करते हैं। इसमें कह रहा है किसी वर्ग का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है तो भुजा व परिमाप बताइए। वर्ग में सीधे सीधे ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तभी मैं बता देता हूँ। एक दो क्वेश्चन, क्षेत्रफल दे रखा है, हम जानते हैं इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग में, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल अपने पास क्या आता है, भुजा का स्क्वायर, वो कितना दे रखा है हमें 400, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी √400, यानी कि अगर इसका रूट निकालेंगे हम तो हो जाएगा 20। तो भुजा हो गई अपने पास 20 मीटर, परिमाप क्या होता है वर्ग का, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ये भी 20 आ गई, ये भी 20 आ गई, ये भी 20 आ गई, 20, तो परिमाप कितना आ गया, 20 + 20 + 20 यानी कि 80, ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये आयत है, अभी आयत का जैसे पढ़ा था उसी प्रकार का क्वेश्चन है, यदि वर्ग की भुजा 25 मीटर बढ़ा 25% बढ़ा दें, ठीक है, 25% को सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है, तो हो गया 1/4। अच्छा नीचे वाला मूल चेंज के बाद ये हो जाती, बढ़ा देंगे तो
ऊपर वाला धन हो जाएगा, तो पहले भुजा थी चार, बढ़ाने के बाद कितनी हो गई पांच, ठीक है। अब भुजा एरिया में क्या आता है, भुजा का स्क्वायर, तो एक बार भुजा और लिखेंगे, भुजा फिर बढ़ा के कितनी हो गई पांच, यानी कि पहले भुजा थी चार फिर पांच हुई, दो बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर है, क्यूब होता तो तीन बार लिखते हैं, ठीक है। पहले चार थी फिर पांच हुई, पहले इसमें भी चार थी और पांच हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके लिए, इसका स्क्वायर क्या होगा और इसका स्क्वायर क्या होगा, पहले वाला क्षेत्रफल फिर बाद वाला क्षेत्रफल, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहले क्षेत्रफल था 16, इसका मल्टीप्लाई किया अब हो गया 25। अब वो कह रहा चेंज कितना हुआ क्षेत्रफल में, तो चेंज के लिए क्या करते हैं, लास्ट माइनस स्टार्टिंग, यानी 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 बटे स्टार्टिंग वाला क्षेत्रफल, यानी कि 16 गुणा 100, परसेंटेज चेंज के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो चार से काट दीजिए, चार चौक 16 ये 25 बार, आंसर आ जाएगा अपने पास 25 नंबर 225 बटे 4%, यानी कि 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 2 = 8, ठीक है, परसेंट 56% लगभग 56.2% अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल में परिवर्तन सीधा आयत वाला जो किया था उसी कंसेप्ट पर आधारित है, ठीक है। स्टार्टिंग वैल्यू लास्ट वैल्यू मल्टीप्लाई और ये चेंज। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, देख लेते हैं इसको। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग की भुजा को लेकर, वर्ग है एक, ठीक है, इसकी भुजा है 4 सेंटीमीटर, इसकी भुजा को लेकर एक समबाहु त्रिभुज बनाया है, कोई भी एक भुजा ले ली, चाहे ये चाहे ये, इसको हमने लेकर एक समबाहु त्रिभुज बना दी। समबाहु त्रिभुज क्या होगा, वर्ग के अंदर ये चार है, तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, हमने इसको बेस लेकर इसकी एक भुजा बना ली, तो ये चार है तो ये भी चार होगी, ये भी चार होगी, क्योंकि ये भुजा की लंबाई त्रिभुज की कितनी आ गई चार, ये चार ये चार, वो कह रहा है। तो इस किसका त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, सीधे सीधे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी अपने पास 4, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा √3/4 × 16, यानी कि 4 × 16, 4√3 m² इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब मुझे शेष भाग का निकालने, शेष भाग के लिए शेष भाग पूछे अगर आपसे, तो कैसे निकालेंगे, इस वर्ग में से इस समबाहु त्रिभुज का घटा दीजिए, तो ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो शेष भाग के लिए क्या करेंगे, शेष भाग का पूछे तो बराबर वर्ग क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, यानी 4 × 4 यानी कि 16 माइनस त्रिभुज का हम निकाल चुके हैं 4√3, ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। इस तरह आपको कंसेप्चुअली क्वेश्चन करते चलना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैंने ट्रिक करना भी यूज करा, जो लंबे हैं उनमें मैंने ट्रिक यूज करना भी बताया है, इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन करने हैं और कोई क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, पसंद आता हो, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम मेंसुरेशन को आगे बढ़ाएंगे और स्टार्ट करेंगे सर्कल, उसके बाद हम 3D वाले जितने भी डायग्राम है वो भी पढ़ेंगे। चलिए नमस्ते।